अस्सलाम वालेकुम, ये PS 116 है। यहाँ हम तमाम हजरात लाइव आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि PS 116 न्यू इतिहाद स्कूल में जो है, ये न्यू इतिहाद स्कूल है, इसके सामने तमाम साथी हमारे मौजूद हैं। इसका पोलिंग रिज़ल्ट जो अभी तक मौसूल नहीं हुआ है, वोट सिर्फ 450 का आउट हुए हैं। यहाँ पे 450 वोटों की यहाँ पर अभी तक इसकी गिनती नहीं हो रही, 450 वोटों की यहाँ पर अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं बन रहा, और 450 वोटों को यहाँ पे अभी तक तरतीब नहीं दे पा रहे हैं। ये रात के 3 बजने वाले हैं, ये हजरात हैं हमारे, ये पोलिंग एजेंट हैं जो बैठे हुए थे, इनसे हम मुखातिब हैं कि इसके बारे में थोड़ी तफसील दे दें। मसला ये है कि ऐसे इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे KG1 का बच्चा है, ठीक है, KG1 का बच्चा है। जी जी, वोट कितने कास्ट हो रहे हैं, लिस्टें जाके अंदर बना रहे हैं अपनी मर्जी से, इनसे ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो जितना ये लोग लेट कर रहे हैं, अभी ये 10,000 वोट है, ठीक है, पूरे कराची के जहाँ से सीटें इन्होंने ली हैं 50,000, 70,000, 60,000, उसका रिजल्ट 10 बजे आ जाता है। 600 वोट नहीं है, इसका रिजल्ट अभी तक नहीं है। आप टाइम देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है। पोलिंग स्टेशन वाले दूसरे जो बूथ पे बैठे हुए हैं वो फर्द साहब ने आ जाए। जी जी, आप कब आए, सुबह का कितने बजे से बैठे हुए हैं आप यहाँ पे? मैं सुबह तकरीबन 8:30 से लेकर अभी तक, 8:30 से लेकर आप 3:30 बजे तक बैठे हुए हैं। कितने 450 वोट कास्ट हुए? 338 वोट कास्ट हुए हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा अभी तक आपको? अभी तक वो लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा उनसे। अभी तक 338 वोट का रिजल्ट नहीं बना जा रहा। तो आपने रिजल्ट लिया, उसको वैसे ही छोड़ के आ गए आप? हमने वैसे छोड़ के आ गए। ठीक है, देखिए नाजरीन, ये तमाम हजरात मौजूद हैं यहाँ पे, तो जो हम आपको दिखा रहे हैं शुरू होने से पहले पार्टी का नाम मेरा MMA से ताल्लुक है। सुबह जब पोलिंग शुरू हुआ उससे पहले ही दांदली शुरू हो गई थी। दांदली कैसी, उसके एक तरीके होते हैं, ये न्यू इतिहाद आपको मालूम होगा, इसमें 10,000 के करीब वोट है, तो कास्टिंग का क्या नतीजा है हमारे सामने, 1200 से 1300 का कास्टिंग भी नहीं है। उसकी क्या वजह है, हमें तंग किया गया, कभी इधर भगाया, ना कुछ के भूत थे, ना कोई आमला था, ना कोई मसाइल थे, और 8:45 बजे पोलिंग शुरू हुई। ठीक है, देखिए नाजरीन, ये स्कूल आपके सामने है, हम अभी 3:30 बजे के करीब हैं, हम बगैर किसी रिजल्ट लिए यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक लहर पैदा हुई है जिसमें सारी चीज़ें ये हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम भैया, हमारे यहाँ बल्दिया टाउन में, देहा टाउन में ये मसला है, एक तो हमारी पोलिंग 9 बजे स्टार्ट की गई है, उसके बाद जो है हमारी पोलिंग को इतना सुस्त चलाया गया, ठीक है, और ये जो हमारी जो फ्लाई मखलूक है, हमारा रिजल्ट इशू होने वाला था कि बाहर उसने ला के चिपकाना था, उन्होंने आके हमारा रिजल्ट रोक दिया, उसके बाद ये कह रहे हैं थोड़ा इशू है, ये ना इशू बता रहे ना और कुछ कर रहे हैं। ठीक है नाजरीन, आपके सामने ये तमाम हजरात का बयान आ गया है, उम्मीद है कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें लोग देख रहे होंगे, और हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ बाकी लोगों तक पहुंचे। रात के 3 बजे का पैर है और हम बगैर रिजल्ट के यहाँ से जा रहे हैं। जजाकल्ला।